हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी टेक पॉली। सर्वे के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले दोस्तों, हम सर्वे की 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें कि सबसे पहली क्लास में हमने सर्वे का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन या फिर आप फंडामेंटल ऑफ सर्वे कह सकते हैं पढ़ा था। दूसरी क्लास में दोस्तों हमने चैन सर्वे कवर किया था और तीसरी क्लास में चैन सर्वे के MCQs किए थे। तो अब तक हम सर्वे में 120 MCQs कर चुके हैं और 2 चैप्टर्स की थ्योरी कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम कंपास सर्वे की कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंपास सर्वे के MCQs करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं कंपास सर्वे की जितनी भी थ्योरी है आपको कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा। इसके अलावा आपको मैं थ्योरी का PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन के लिए आप PDF को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास कंपास सर्वे की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपास सर्वे। तो देखिए दोस्तों, यह कंपास सर्वे, थर्ड चैप्टर सर्वे का कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं जो कंटेंट लेके आया हूँ आज दोस्तों, ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश, और सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए ये है कि आज का जो कंटेंट होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। मैंने आपको कंप्लीट कंटेंट दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है, तो आपका वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जी टेक पॉली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंपास सर्वे के पहले टॉपिक से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है कंपास सर्वे की डेफिनेशन। देखिए क्या होती है कंपास सर्वे की डेफिनेशन, बहुत ध्यान से समझेंगे, ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना। जो कुछ मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ कंपास सर्वे से रिलेटेड ही बोलूंगा, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे आप। जैसे कि आपने चैन सर्वे में क्या किया था दोस्तों, चैन सर्वे में आपने किसी भी लाइन की लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस यानी कि एक रेखीय दूरी को मेजर किया था चेन की सहायता से या फिर टेप की सहायता से, तो हमने उसे बोल दिया था चेन सर्वे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलावा हम क्षैतिज कोण यानी हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करेंगे। क्या करेंगे, क्षैतिज कोण मेजर करेंगे और किसी भी लाइन की दिशा भी मेजर करेंगे, डायरेक्शन भी मेजर करेंगे। तो जब भी दोस्तों हम किसी भी लाइन की डायरेक्शन और क्षैतिज कोण यानी कि हॉरिजॉन्टल एंगल एंड डायरेक्शन मेजर करते हैं, वो भी किसकी सहायता से, कंपास की सहायता से, ठीक है, कंपास की सहायता से। कंपास क्या होता है, कंपास एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं दोस्तों, किसी भी लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल या फिर लाइन की डायरेक्शन को कंपास के द्वारा मेजर किया जाता है, तथा जो आपकी लाइन की दूरी थी, जो डिस्टेंस थी, जो लंबाई थी, उसको चेन या टेप की सहायता से ही मेजर किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम कंपास सर्वे। समझ पा रहे हैं, यानी कंपास सर्वे में आपको क्या करना है, कंपास सर्वे में दोस्तों आपको एंगल मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, या इसके अलावा डायरेक्शन मेजर करनी है किसी भी लाइन की। इतना समझ गए, तो डेफिनेशन को एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। ध्यान रखना, आपको हमेशा सिर्फ दो ही वर्ड याद रखेंगे आप, क्षैतिज कोण और लाइन की दिशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन। एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ताकि आपको याद हो जाए। तो क्षैतिज कोण और लाइन की दिशाओं को कंपास सर्वे के साथ मापा जाता है और लाइन की लंबाई को चेन या टेप से मापा जाता है, इसे कहते हैं कंपास सर्वेक्षण। समझ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन आर मेजर्ड विद कंपास एंड लेंथ ऑफ लाइन आर मेजर्ड विद चेन और टेप इज कॉल्ड कंपास सर्वे। ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन कंपास सर्वे की, छोटा सा टॉपिक। अब बात करते हैं हम कंपास सर्वे के दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा कंपास सर्वे में, दूसरा टॉपिक है मेरिडियन एंड बियरिंग्स, ठीक है। टेक्निकल वर्ड को प्लीज आप इंग्लिश में याद रखना, इसके अलावा हिंदी भी मैंने नीचे प्रोवाइड कर रखी है, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो मेरिडियन एंड बियरिंग्स ये क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई एक नॉर्थ डायरेक्शन ले रखी है, ये ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब मैंने इस नॉर्थ डायरेक्शन को दोस्तों रिफरेंस मान लिया, उत्तर दिशा को मैंने अपनी एक संदर्भ लाइन मान ली, एक रिफरेंस लाइन मान ली। अब मैं जो भी एंगल मेजर करूंगा दोस्तों कंपास सर्वे के, वो इसी लाइन के रिफरेंस में मेजर करने वाला हूँ। तो
तो जब मैं इस लाइन के रिफरेंस में किसी भी लाइन का एंगल मेजर करूंगा, तो इस लाइन को, किस लाइन को, ये नॉर्थ वाली जो लाइन थी, इसी लाइन को हम कहेंगे मेरिडियन। मेरिडियन कुछ नहीं है दोस्तों, मेरिडियन बस एक फिक्स लाइन होती है जो हम रिफरेंस मानते हैं किसी भी सर्वे लाइन का एंगल या डायरेक्शन मेजर करने के लिए। तो क्या कहेंगे हम, जिस फिक्स लाइन के रिफरेंस में किसी लाइन की एंगुलर डायरेक्शन ज्ञात की जाती है, उस फिक्स लाइन को हम कहते हैं दोस्तों मेरिडियन। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गई, ये मेरिडियन हो गई। और ये जो लाइन मैंने यहाँ खींची है, ये क्या, ये कोई सर्वे लाइन है। जैसे ए बी है, ये ए बी तो सर्वे लाइन है, और ए से एन की तरफ जो है, ये क्या है, ये मेरिडियन है। इतना समझ आ रहा है? अब इस ए बी लाइन का जो आपने एंगल मेजर किया दोस्तों, सपोज एल्फा मान लिया मैंने, इस एल्फा एंगल को आप बोलेंगे बियरिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों? बियरिंग, यानी बियरिंग मतलब सीधा एंगल समझे आप, ठीक है। किसी भी रिफरेंस लाइन से सर्वे लाइन का जो एंगल हम मेजर करते हैं, मेरिडियन से जो एंगल मेजर करते हैं, उस एंगल को बोलते हैं बियरिंग्स। समझ पा रहे हैं इतना? यस। तो आप नीचे इसको देख सकते हैं, डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। डेफिनेशन आपकी ये हो गई, जिस फिक्स लाइन के रिफरेंस में किसी लाइन की एंगुलर डायरेक्शन ज्ञात की जाती है, उसे मेरिडियन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने क्या, ये कोई फिक्स लाइन ले रखी यहाँ पर, ये इसको मेरिडियन बोल दिया। ये कोई सर्वे की लाइन थी और हमने यहाँ पर ये एंगल मेजर कर रखा, तो एंगल को मैंने बियरिंग बोला है और जो फिक्स लाइन थी उसको मेरिडियन बोला है। समझ आ गया? इसके अलावा मैंने मेरिडियन की डेफिनेशन यहाँ भी दिखा रखी है दोस्तों। क्या दिखाया है यहाँ? लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स, यानी एक ऐसी लाइन जो दो पोल को जोड़ती है, जो दो पोल्स को जोड़ती है, नॉर्थ और साउथ पोल को यहाँ जोड़ रखा है ये वाला, तो इसको क्या कहेंगे, मेरिडियन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, देखिए बियरिंग के लिए मैंने एक डायग्राम और यहाँ पर दिखा रखा है। मैं आपके लिए दोस्तों बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, आपकी इस एक घंटे की क्लास को, इस एक घंटे के कंटेंट को तैयार करने के लिए दोस्तों मुझे कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, आप जुड़े रहिए बस चैनल से। देखिए बियरिंग की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख भी रखी है। क्या, किसी रेखा की बियरिंग इसका वह हॉरिजॉन्टल एंगल है जो यह रेखा मेरिडियन से बनाती है। ये मेरिडियन हो गई। अब इस मेरिडियन के साथ ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या कह देंगे हम, बियरिंग कह देंगे। सिंपल। तो अब मेरिडियन की डेफिनेशन समझ गए, बियरिंग की डेफिनेशन समझ गए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेरिडियन एंड टाइप्स ऑफ बियरिंग। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मेरिडियन एंड बियरिंग्स। अब देखिए ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइप्स ऑफ मेरिडियन एंड बियरिंग्स। तो दोस्तों जितने टाइप की आपके मेरिडियन होंगे उतने ही टाइप की बियरिंग्स होंगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से फिर, तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम ट्रू मेरिडियन, यानी कि जो ट्रू मतलब हो गया सत्य, ठीक है। कि हिंदी आप नीचे देख लेंगे, भी नीचे हिंदी आने वाली है, बिल्कुल परेशान ना हो आप। ट्रू मेरिडियन किसे कहते हैं दोस्तों? तो पहले आप ट्रू मेरिडियन की डेफिनेशन देख लें, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डायग्राम समझा दूंगा। तो इसमें लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, यानी भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण से जुड़ने वाली लाइन। यानी मैंने अभी आपको दिखाया था ना, पोल थे ऐसे करके, तो जो नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में ज्वाइन कर रही थी लाइन, नॉर्थ साउथ पोल को, ये लाइन क्या थी, यही थी दोस्तों ट्रू मेरिडियन। समझ पा रहे हैं? तो जो भी नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ जो हमारे पोल होते हैं दोस्तों वो जियोग्राफिक पोल होते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ होते हैं। तो इसीलिए हम इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रू मेरिडियन। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये ट्रू नॉर्थ है और ये ट्रू साउथ है, यानी टी एन मतलब ट्रू नॉर्थ, टी एस मतलब ट्रू साउथ। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ने वाली ये जो लाइन है इसको कहेंगे हम ट्रू मेरिडियन। सिंपल, बहुत सिंपल है, आप समझते चलिए बस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम, अब ट्रू मेरिडियन है तो ट्रू बियरिंग भी होगी। अब ट्रू बियरिंग किसे कहेंगे फिर? तो ट्रू मेरिडियन से आप किसी भी लाइन का जो एंगल मेजर कर देंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रू बियरिंग। समझ पा रहे हैं? तो देखिए ट्रू बियरिंग की डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं आप, क्या लिखी है मैंने, ट्रू बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। ट्रू मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का जो क्षैतिज कोण है वो होता है ट्रू बियरिंग। आई होप सो आपको इतना क्लियर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया है, जो ट्रू बियरिंग होती है दोस्तों इसी को हम एजीमूथ बोलते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए बात कर, देखिए यहाँ पर ट्रू बियरिंग की हिंदी क्या है, सत्य दिग्मान। आप हिंदी देख सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, सत्य दिग्मान बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद दूसरा टाइप आता है दोस्तों चुंबकीय मेरिडियन, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये भी सिंपल है, वहां हमने किसको जोड़ा था, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ा था। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर दोस्तों हम किसे जोड़ेंगे, ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो
तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को आपस में ज्वाइन करेगी, लाइन जोड़ेगी, उसको कह देंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, कई कई ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चुंबकीय इफेक्ट के कारण जो आपका ट्रू नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ होता है, उसके अलावा एक दूसरा नॉर्थ भी उत्पन्न होता है मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, उसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दोस्तों जो लाइन आपस में जोड़ेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन आपस में जोड़ने का काम करती है, उस लाइन को कहते हैं हम मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन से, और जो सर्वे लाइन है आपकी, ये वाली क्या, ये सर्वे लाइन है कोई भी, ये सर्वे लाइन है, ठीक है, सर्वे लाइन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी सर्वे लाइन का जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक वियरिंग। बिल्कुल सिंपल है, जो आपने डेफिनेशन दी है बस उसका ही सीधे कह देंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल मेजर करेंगे वो मैग्नेटिक वियरिंग हो गया, और ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मेजर करेंगे वो ट्रू वियरिंग हो गया। समझ पा रहे हैं आप इसकी डेफिनेशन, या समझ सकते हैं इजीली? ये मैंने आपको समझाई दिया है, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण से जोड़ने वाली लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद ठीक है, यहाँ पर एक और डायग्राम मैंने दिखा रखा है आपको, हालांकि उसी डायग्राम को आप समझ सकते हैं इजीली, फिर भी आप अगर ये डायग्राम भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ये गूगल से लिया है मैंने आपके लिए। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपकी 1 घंटे की क्लास के लिए मुझे पूरे 4 घंटे लगते हैं कंटेंट तैयार करने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रखा है, यहाँ पर देखिए नॉर्थ साउथ ये था, इसके बाद ये क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, और ये क्या था, ये ट्रू नॉर्थ था। तो देखिए जो मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल यहाँ मेजर कर रखा है उसे लिखा है एम बी, एम बी मतलब मैग्नेटिक बियरिंग, और जो ट्रू नॉर्थ से एंगल मेजर कर रखा है ये वाले से क्या लिखा है, टी बी, टी बी मतलब क्या हो गया, ट्रू बियरिंग। यहाँ पढ़ सकते हैं इसको, यहाँ समझ सकते हैं, देखिए यहाँ ये डिफ्लेक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन अभी नहीं बताऊंगा, डिफ्लेक्शन नीचे टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ गए ट्रू बियरिंग और ट्रू ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक वियरिंग क्या होता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। यहाँ डेफिनेशन दे रखी है इसकी, क्या, मैग्नेटिक वियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक, योग्य मैग्नेटिक यहाँ पर होना चाहिए मैग्नेटिक नॉर्थ एंड सर्वे लाइन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी लिख सकते हैं आप, एम एम मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आप, ठीक है। ये नोट पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो नोट पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं हाईलाइट करके, ये सीधे एसएससी जेई के एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है ट्रू मेरिडियन, ये गलत लिख गया है इंग्लिश में, सॉरी, इसके लिए मेरिडियन होगा ये, ट्रू मेरिडियन एट ए प्लेस डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि जो आपका ट्रू मेरिडियन होता है दोस्तों, यानी कि ट्रू मेरिडियन क्या था, जो नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन को जोड़ने वाली जो लाइन थी दोस्तों, ये क्या रहती है, समय के साथ कभी बदलती नहीं है, यानी ट्रू मेरिडियन आर फिक्स्ड, सॉरी इज फिक्स्ड, ठीक है, ट्रू मेरिडियन क्या है, फिक्स रहता है हमेशा। लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन, चूंकि मैंने आपको बताया था चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है, ये इधर उधर चेंज होता रहता है, इसीलिए समय के साथ एक बिंदु पर चुंबकीय मेरिडियन बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है, हिंदी में लिखना थोड़ा रह गया है, लेकिन आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस चेंज विद टाइम, सिंपल समझे आप, क्या मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, वेरिएशन होता है इसमें, चेंजिंग होती है, लेकिन ट्रू मेरिडियन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये फिक्स है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी, मुझे कंपास सर्वे कंप्लीट एक ही वीडियो में कराना है, ध्यान से समझेंगे। तीसरा टाइप है दोस्तों हमारे यहाँ पर ग्रिड मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन किसे कहते हैं, देखिए तीसरा टाइप का मेरिडियन है, किसी देश के सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय स्थान से गुजरने वाले मेरिडियन को लिया जाता है, क्योंकि रिफरेंस मेरिडियन यानी संदर्भ, यहाँ इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए, हाँ ठीक है, क्योंकि संदर्भ मेरिडियन को ग्रिड मेरिडियन कहा जाता है। सिंपल समझिए आप, कोई कंट्री है, सपोज कोई भी कंट्री है, अब इस कंट्री के सेंटर पॉइंट से जो भी मेरिडियन गुजरेगा उस मेरिडियन को आप क्या बोल देंगे, ग्रिड मेरिडियन बोल देंगे, सिंपल सा मेरिडियन है, क्योंकि इस सेंटर पॉइंट से जितने भी आगे के सब, यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उन सब की लोकेशन आप इजीली पता कर सकते हैं, इसीलिए इस मेरिडियन को हम कहते हैं ग्रिड मेरिडियन। फॉर सर्वे ऑफ ए कंट्री मेरिडियन पासिंग थ्रू सेंट्रल प्लेस इज टेकन एज रिफरेंस मेरिडियन इज कॉल्ड ग्रिड मेरिडियन। आई होप सो आपको ग्रिड मेरिडियन क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन की, यानी मनमाना मेरिडियन। जी हाँ, ये मनमाना मेरिडियन आप कहीं भी मान सकते हैं इसको, ठीक है, अपनी इच्छा से इसको मान सकते हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन है ये, मनमाना मेरिडियन किसी भी मनमानी दिशा में लिया जा सकता है, सिंपल सा, ठीक है, ये गूगल की हिंदी है भाई, प्लीज करके आप ध्यान रखें, बाकी आप इंग्लिश वर्ड में याद रखेंगे सीधा आर्बिट्रेरी मेरिडियन, लेकिन इसकी हिंदी वास्तव में मनमाना ही होता है, ठीक है,
तो आप याद रखें क्या, क्योंकि मनमानी की जगह कुछ और भी दे सकता है आपको हिंदी में लिखा हुआ, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखेंगे आर्बिट्री मेरिडियन। ये चार टाइप के मेरिडियन थे, अब इन चारों टाइप के मेरिडियन से सर्वे लाइन का जो एंगल बनेगा वही चारों टाइप के आपके वियरिंग बन जाएंगे। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंपास की, ठीक है। अभी तक आप दोस्तों दो टॉपिक कवर कर चुके हैं अपने, एक आपने कंपास सर्वे की डेफिनेशन देख ली, दूसरा आपने क्या पढ़ लिया, मेरिडियन पढ़ लिया एंड बियरिंग पढ़ लिया, ठीक है। ये दो टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंपास की, जो कंपास इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, जो उपकरण था कंपास, ठीक है। कंपास उपकरण आप गूगल पे जाकर के कंपास का डायग्राम देख सकते हैं, कैसा होता है उसका वर्क, कैसा होता है, कैसे काम करता है। इसके अलावा आपने कॉलेज में भी कंपास देखा होगा, उसके सब इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स वगैरह देखे होंगे, कंपास के क्या क्या होते हैं, रीडिंग वगैरह भी आपने ली होंगी। अगर नहीं ले रखा तो आप गूगल वगैरह करके वीडियो देख लीजिएगा उस कंपास सर्वे की वर्किंग कैसे होती है, या आपको मैं थ्योरी नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप थ्योरी पर फोकस करें। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम कंपास टाइप्स ऑफ कंपास की। तो मेनली दोस्तों कंपास दो ही टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक तो होता है मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास होता है, और दूसरा होता है दोस्तों ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ट्रफ कंपास का यूज जो होता है दोस्तों वो होता है प्लेन टेबल सर्वे में, प्लेन टेबल सर्वे में यूज होगा। तो जहाँ हम प्लेन टेबल सर्वे पढ़ेंगे तो प्लेन टेबल सर्वे में हम ट्रफ कंपास के बारे में पढ़ लेंगे, यहाँ केवल मैग्नेटिक कंपास होता है। और मैग्नेटिक कंपास भी दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर्वेयर कंपास और एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। समझ पा रहे हैं? तो सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास दोनों के बारे में हर साल एक क्वेश्चन रिपीट होता है आपके कन्वेंशनल एग्जाम में, इसके अलावा एसएससी जेई के प्री एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए बात करते हैं हम सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास की। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ट्रफ कंपास के बारे में यहाँ पर जो लिखा है मैंने इसको आपको बता दूँ एक बार, क्योंकि इतनी मेहनत से लिखा है तो पढ़ के सुनाई देते हैं एक बार। यहाँ लिखा है ट्रफ कंपास एंगुलर मेजरमेंट नहीं करता, देख लीजिए कितनी बड़ी बात कह दी, ट्रफ कंपास एंगुलर मेजरमेंट नहीं करता, इसीलिए हम इसको यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम एंगुलर मेजरमेंट ही कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ट्रफ कंपास का यूज नहीं करेंगे यहाँ। ये केवल उत्तर दिशा का एहसास कराता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्लेन टेबल सर्वे पढ़ेंगे तो प्लेन टेबल सर्वे में मैं आपको बताऊंगा जो ट्रफ कंपास होता है केवल वो नॉर्थ डायरेक्शन को ही फील कराएगा आपको, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ कहाँ चल रही है, ठीक है। तो इसमें लिखा है द ट्रफ कंपास डज नॉट मेक एंगुलर मेजरमेंट, ओनली मेक्स सेंस ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका उपयोग प्लेन टेबल सर्वे में किया जाता है, इट इज यूज इन प्लेन टेबल सर्वे। आई होप सो आपको ट्रफ कंपास क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम सर्वेयर कंपास की और प्रिज्मेटिक कंपास की, दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, समझते रहिए, ठीक है। नोट्स की आप बिल्कुल चिंता ना करें, नोट्स आपको पीडीएफ में मैं दे दूंगा, बस आप समझिए बहुत ध्यान से। तो अब अगली जो हेडिंग है हमारी वो मेन हेडिंग है, और उसका नाम है कंपेरिजन बिटवीन सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वेयर कंपास और प्रिज्मीय कंपास के बीच तुलना करनी है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वेयर कंपास की, कि व्हाट इज सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास क्या होता है, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। तो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, डिस्कस करते हैं हम, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा कन्वेंशनल के लिए भी सारे पॉइंट हैं, ये आपको पूरा पूरा मैंने आपको प्री मेंस सबके लिए, डिप्लोमा बीटेक कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं आप, सबके लिए है थ्योरी है, अब ध्यान से पढ़िए समझते रहिए बस, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने लिखे हैं आपको 7 पॉइंट लिखे हैं, पहले मैं हिंदी में समझा दूं फिर उनको इंग्लिश में पढ़कर सुना दूंगा, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में समझ लेंगे। तो पहला पॉइंट है, यह पीतल का 125 mm व्यास का एक गोल बक्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये गोल गोल बॉक्स टाइप से होता है जो आपका सर्वेयर कंपास होता है, इसका जो डाया होता है कितना होता है, 125 mm व्यास होता है, डायामीटर होता है। पहला पॉइंट आई होप सो क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट है, सुई के सिरे आगे से नुकीले होते हैं, यानी इसमें एक सुई लगी होती है दोस्तों जो कि डायरेक्शन बताती रहती है, एंगल को मेजर करती रहती है, जैसे घड़ी में सुई होती है ना, सेम वैसे ही इसमें भी एक सुई होती है। अब ये जो इसकी जो सुई होती है दोस्तों वो आगे से नुकीली होती है थोड़ी सी, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था अंशांकित चक्री, यानी यहाँ पर एक ग्रेजुएटेड रिंग होगी। ग्रेजुएटेड रिंग का मतलब क्या हो गया, उस पर अंश बने होंगे, एंगल्स के निशान बने होंगे, जैसे ऐसे ऐसे करके एंगल्स के निशान बने होंगे, कट्स बने होंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो उसे कहते हैं ग्रेजुएटेड रिंग या फिर अंशांकित चक्री। वो कंपास बॉक्स से जुड़ी रहती है, कंपास जो बॉक्स होता है जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, उस कंपास बॉक्स से जुड़ी रहती है अंशांकित चक्री, ठीक है, और सुई के साथ नहीं, ये सुई के साथ जुड़ी नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये इसमें कंपास सर्वेयर कंपास में और प्रिज्मेटिक कंपास में डिफरेंस भी है, कि जो आपका सर्वेयर कंपास होता है उसमें जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो कंपास बॉक्स से जुड़ी रहती है, सुई के साथ नहीं, और लाइन ऑफ साइट जो होती है उसके साथ घूमती रहती है। ये जो चक्री होगी ना,
जो आप लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कोई वस्तु रखी हुई है, आप उस पर एंगल मेजर करने के लिए उसे देख रहे हैं, तो जैसे जैसे लाइन ऑफ साइट घूमेगी उसके साथ साथ ये क्या, ये आपको चक्कर है, ये वाला चक्री जो है ग्रेजुएट रिंग, ये भी घूमती रहेगी, ठीक है। ये सुई के साथ अटैच नहीं होती है, इतना आपको याद रखना, ठीक है। तो चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, तीसरा, बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ग्रेजुएटेड रिंग पर निशान सीधे खुदे होते हैं और सीधे ही दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो इसमें जो निशान बने होंगे 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3, ये सब सीधे ही बने होंगे और सीधे ही आपको दिखाई देंगे, जबकि जो आगे पढ़ेंगे हम प्रिज्मेटिक, उसमें उल्टे होते हैं और प्रिज्म उनको सीधा दिखा देता है हमें, प्रिज्म जो लगा होता है उसमें। तो बात करते हैं आगे, देखिए। तो आई होप सो आपको चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि क्या ग्रेजुएटेड रिंग पर जो निशान होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे खुदे होते हैं और सीधे ही दिखाई देते हैं। आगे पांचवा पॉइंट बात करते हैं, केवल ट्राईपॉड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, सर्वेयर कंपास जो होता है दोस्तों, हम इसको केवल और केवल ट्राईपॉड पर, ट्राईपॉड जानते हैं, ट्राईपॉड देखा होगा सबने, तीन टांग वाला एक उपकरण होता है, इसी पर सेट करके हम तभी यूज कर सकते हैं इसको, इसके अलावा यूज नहीं कर सकते। जबकि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसको हाथ में लेकर के भी यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। पांचवा पॉइंट हो गया इसका। छठा पॉइंट लिखा है, ग्रेजुएशन बियरिंग क्यूबी सिस्टम में होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दोस्तों, फिर रिपीट कर रहा हूँ छठा पॉइंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर ले आप। क्यूबी सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक बियरिंग सिस्टम, ठीक है, या रिड्यूस बियरिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो इसमें सर्वेयर कंपास में क्यूबी सिस्टम में होती हैं आपकी ग्रेजुएशन जो होती हैं, और इन पर क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, देखिए नॉर्थ और साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में तो 0 डिग्री होगा, मैं आपको डायग्राम नीचे दिखाऊंगा अभी, बस वेट करें थोड़ा सा। इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में 90 होता है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट इंटरचेंज होते हैं, इसलिए ईस्ट इधर रहता है इसमें और वेस्ट इधर होता है, इस पर कितने 90 90 डिग्री होंगे, मैं डायग्राम नीचे दिखा रहा हूँ, परेशान ना हो बिल्कुल भी। फिलहाल इतना याद रखें आप कि ग्रेजुएशन इसमें क्यूबी सिस्टम में होंगे, और जिन पर नॉर्थ एंड साउथ, एनएस मतलब नॉर्थ एंड साउथ पर 0 डिग्री तथा ईस्ट और वेस्ट पर 90 डिग्री होता है, और ईस्ट और वेस्ट आपस में इंटरचेंज होते हैं, यानी आपको पता है एक्चुअल डायरेक्शन में ईस्ट इधर रहता है वेस्ट इधर रहता है, लेकिन सर्वेयर कंपास में ये इंटरचेंज होते हैं, इधर तो वेस्ट आ जाता है और इधर ईस्ट हो जाता है। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये छठा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगा इसका, प्लीज़ वेट करें। सातवां लास्ट पॉइंट है, कम से कम गिनती हम इसमें 30 मिनट कर सकते हैं, यानी इसका जो लीस्ट काउंट होता है, जैसे आपने कोई पैमाना देखा होगा 6 इंची वाला पैमाना, जिसमें कि आप 15 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, तो आप उसका अगर मैं लीस्ट काउंट बोलूँ आपसे, तो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो उसमें, आप 1 mm मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, सिर्फ 1 mm से कम उसमें नहीं नाप सकते। ऐसे ही जो आपका सर्वेयर कंपास होता है, ये कम से कम रीडिंग 30 मिनट तक दे सकता है। 30 मिनट कोई टाइम नहीं है, 30 मिनट एंगल है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में दोस्तों होते हैं 60 मिनट, पता है ना सबको, और 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में दोस्तों होते हैं 60 सेकंड, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री का भी आधा, यानी आधा डिग्री तक ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है सर्वेयर कंपास किसी भी एंगल को। इंग्लिश में देख लीजिए क्या क्या पॉइंट है आपके इंग्लिश में, वही 7 पॉइंट जो थे उनको मैंने ट्रांसलेट कर दिया, समझेंगे ध्यान से। इट इज़ ए 125 mm डायमीटर राउंड बॉक्स ऑफ ब्रास, यानी ब्रास मतलब पीतल, पीतल का क्या होता है 125 mm डाया का बॉक्स होता है, ठीक है। दूसरा है, द नीडल इज एज टाइप बार, यानी चौड़ी होती है, आगे से नुकीली होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, द ग्रेजुएटेड रिंग इज कनेक्टेड टू द कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स से कनेक्ट होती है, नॉट विद द नीडल, नीडल के साथ ये कनेक्ट नहीं होती है, एंड मूव्स अलोंग द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट के अलोंग मूव करती है, घूमती रहती है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, इरेक्ट मार्किंग ऑन द ग्रेजुएटेड रिंग्स, यानी जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है उस पर सीधे निशान बने होते हैं, लाइव एंड अपेयर डायरेक्टली, और सीधे ही दिखाई देते हैं। पांचवा है, कैन ओनली बी यूज ऑन ट्राईपॉड, हम इसको केवल ट्राईपॉड पर ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा छठा पॉइंट है, ग्रेजुएशन आर इन क्यूबी सिस्टम, मैंने आपको बताया था इसमें जो ग्रेजुएशन होंगे क्यूबी सिस्टम में होती है, हैविंग 0 डिग्री एट नॉर्थ एंड साउथ और 90 डिग्री एट ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट आर इंटरचेंज, और ईस्ट और वेस्ट इंटरचेंज रहते हैं। तो लीजिए मैंने आपके साथों के साथ पॉइंट दोस्तों, किसमें, यहाँ लिस्ट काउंट को आप, इसको कम से कम को लिस्ट काउंट बोलते हैं, आप इसको खुद से लिख लीजिएगा प्लीज इंग्लिश में, लिस्ट काउंट इक्वल टू 30 मिनट, ओके। तो ये 7 पॉइंट थे आपके, किसके, सर्वेयर कंपास के, मैंने आपको 7 पॉइंट डिटेल में अच्छे से समझा दिए हैं, आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। तो ये हो गया सर्वेयर कंपास, अब बात करते हैं हम किसकी, लिस्ट काउंट थोड़ा नीचे आ गया यहाँ से उठ के, यहाँ लिखा है मिनिमम काउंट
30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ आ गया डायग्राम, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डायग्राम आपको बना रखा है। क्या है डायग्राम में देख लीजिए आप, क्यूबी सिस्टम है ये। तो 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर दिखा रखा है, ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन चेंज है। एक्चुअल में ईस्ट वेस्ट इधर होते हैं लेकिन यहाँ पर इंटरचेंज रहते हैं इसमें सर्वेयर कंपास में। और 90 डिग्री होता है, छठा पॉइंट है जिसका डायग्राम ये बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिज्मेटिक कंपास की। एक बार आपको ये जरूर बताना है कंटेंट पसंद आ रहा नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास को देखेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास क्या है। प्रिज्मेटिक कंपास का सबसे पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट है प्रिज्मेटिक कंपास का, यह है पीतल का 80 mm से 150 mm का गोल बक्सा होता है, ठीक है। बक्सा बक्सा दो बार लिख गया, आप एक बार याद रखेंगे बक्सा। तो वो भी पीतल का था, ये भी पीतल का है। उसका डायमीटर 125 mm था, इसका डायमीटर 80 से लेकर 150 mm तक कुछ भी हो सकता है। इतना समझ पा रहे हैं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सुई चौड़ी पट्टी की बनी होती है। वहां पर क्या था, सुई कैसी थी, आगे से नुकीली थी, यहां पर कैसी है, चौड़ी पट्टी की है। सेम उन्हीं पॉइंटों को क्या किया है, जस्ट अपोजिट करके लिख दिया। आप डिफरेंस समझते चलना साथ साथ। इसलिए मैंने पॉइंट जो लिखे हैं आपके लिए दोस्तों इतनी आसान भाषा में लिखे हैं कि आपको ईजिली समझ आ सके। तीसरा पॉइंट है ग्रेजुएटेड रिंग नीडल के साथ अटैच होती है। वहां पर क्या था, वहां पर बॉक्स के साथ अटैच थी, जो कंपास बॉक्स था उसके साथ अटैच थी ग्रेजुएटेड रिंग, लेकिन यहाँ पर नीडल के साथ अटैच होती है और लाइन ऑफ साइट के साथ नहीं होती है, नहीं घूमती है, ठीक है। मूव नहीं करेगी लाइन ऑफ साइट के साथ, जबकि वहां पर मूव कर रही थी। उसको ही जस्ट उल्टा करके दिखा देना है आपको। चौथा पॉइंट क्या है, ग्रेजुएटेड रिंग पर निशान उल्टे खुदे रहते हैं, जो प्रिज्म द्वारा पढ़ने पर सीधे और बड़े आकार में दिखाई देते हैं। वहां पर क्या था, सीधे निशान खुदे हुए थे और सीधे ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निशान उल्टे खुदे होंगे लेकिन प्रिज्म उनको हमें सीधा दिखाता है और बड़े आकार में भी दिखाता है। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, पांचवा पॉइंट है इसमें ट्राईपॉड के साथ या फिर बिना ट्राईपॉड के भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है ग्रेजुएशंस WCB प्रणाली में होते हैं। देखिए दूसरा सिस्टम आ गया, एक ऊपर था क्यूबी सिस्टम, यहाँ पर है WCB। WCB की फुल फॉर्म होती है होल सर्किल वियरिंग सिस्टम, ठीक है, होल सर्किल वियरिंग प्रणाली। तो ये WCB सिस्टम में होती है ग्रेजुएशंस। 0 डिग्री नॉर्थ पर होगा, वेस्ट पर 90 डिग्री होगा, नॉर्थ पर 180 और ईस्ट पर 270 डिग्री होता है। मैं डायग्राम अभी आपको नीचे दिखा दूंगा, जस्ट वेट करें आप। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है दोस्तों, इसका लीस्ट काउंट होता है 15 मिनट। ऊपर वाले का लीस्ट काउंट कितना था, ऊपर वाले का था 30 मिनट लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट होता है दोस्तों 15 मिनट, 15 मिनट याद रहेगा। ये सातों पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ गए होंगे। इंग्लिश में आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा है पहला पॉइंट, दिस ब्रास राउंड बॉक्स ऑफ डायमीटर फ्रॉम 80 mm टू 150 mm, इट इज ए बॉक्स। द नीडल इज ब्रॉड टाइप, चौड़ी होती है, ठीक है। वहां पर कैसी थी, नुकीली थी, एज टाइप थी, यहाँ पर ब्रॉड टाइप है। तीसरा पॉइंट क्या दोस्तों इसमें, ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड विद द नीडल, यहाँ पर नीडल से अटैच है, वहां पर किससे अटैच थी, कंपास बॉक्स से। एंड डज नॉट रोटेट अलोंग द लाइन ऑफ साइट, यहाँ पर लाइन ऑफ साइट के साथ रोटेट नहीं होती है, वहाँ पर रोटेट हो रही थी इसके साथ। चौथा पॉइंट क्या है, द मार्क ऑन द ग्रेजुएटेड रिंग रिमेन्स इन्वर्टेड, यहाँ पर इन्वर्टेड उल्टे होते हैं, उल्टे उस पर बने होते हैं मार्क्स, लेकिन वहाँ पर मार्क्स कैसे थे, इरेक्ट थे, सीधे थे। विच अपेयर डायरेक्टली एंड इन ए लार्जर साइज वेन रेड बाई प्रिज्म, सॉरी रीड बाई प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा क्या होता है, बड़े पड़े जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं हमें और सीधे पड़े जाते हैं। पांचवा पॉइंट क्या, कैन बी यूज्ड विद और विदाउट ट्राईपॉड, इसको हम ट्राईपॉड के साथ और ट्राईपॉड के बिना भी यूज कर सकते हैं। और छठा पॉइंट क्या दोस्तों, ग्रेजुएट्स अकर इन द WCV सिस्टम, WCV सिस्टम में इसमें ग्रेजुएट होते हैं, साउथ पर 0 डिग्री, वेस्ट पर 90 डिग्री, नॉर्थ पर 180 डिग्री और 270 डिग्री ईस्ट पर होता है। मिनिमम काउंट इसका 15 मिनट होता है। ये सातों पॉइंट मैंने आपको इंग्लिश में समझा दिया, आप एक बार इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम है, मैंने क्या बताया था इसमें आपको, मैंने बताया था कौन सा, WCV सिस्टम इसमें अकर करता है, इसमें होता है साउथ पे 0 डिग्री, साउथ से आप इस तरफ चलेंगे, कैसे ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना वैसे, 0, 90, 180, 270, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इसमें ईस्ट और वेस्ट सेम रहते हैं जैसे होते हैं। और जो क्यूबी था ऊपर वाला जो सर्वेयर कंपास था उसमें दोनों चेंज थे ये, इसका बहुत ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना समझ के आगे बात करते हैं दोस्तों हम, अब सिस्टम की बात करते हैं। जो मैं बार बार इनमें दो सिस्टम का नाम ले रहा था आपसे, एक क्यूबी सिस्टम बोल रहा था, एक WCV सिस्टम बोल रहा था, तो दोनों सिस्टम को देखते हैं क्या होते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिस्टम ऑफ
मेजरिंग बियरिंग्स, बियरिंग को मेजर करने के सिस्टम। तो दो सिस्टम होते हैं, हॉल सर्किल बियरिंग सिस्टम और एक होता है क्यूबी सिस्टम यानी क्वाड्रेटिक बियरिंग सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूसीबी सिस्टम क्या होता है। तो डब्ल्यूसीबी सिस्टम जैसा कि हॉल सर्किल मतलब पूरा सर्किल बनेगा इसमें, और आप सबको पता होगा पूरे एक सर्किल का जो एंगल होता है वो कितनी डिग्री होता है, 360 डिग्री। बच्चा बच्चा जानता होगा ये बात, सब लोग जानते होंगे इस बात को। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 270, 360, तो पूरा एक सर्किल है 360। तो इसका मतलब इसमें जो हम एंगल मेजर करेंगे वो 0 से लेकर के 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकते हैं। तो सीधे मैं आपको पहले पढ़ के सुना दूँ एक बार इसकी थ्योरी क्या लिखी है, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा इसको, ठीक है। देखिए, इस सिस्टम से किसी लाइन की बियरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज दिशा में मापते हैं, और लाइन की बियरिंग 0 से 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है। लाइन के एंगल के साथ डायरेक्शन चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इस पूरी लाइन का मतलब समझ लीजिए पहले क्या कह रहा है ये, इसने क्या बोला है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। इसने बोला है जो बियरिंग हम लेंगे किसी भी लाइन की, नॉर्थ से नापना शुरू करेंगे, और नॉर्थ से क्लॉकवाइज यानी ऐसे करके, क्लॉकवाइज इधर ऐसे होते 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 आगे तक चलते रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो नॉर्थ पर कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे नॉर्थ पर, नॉर्थ पर 0 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, साउथ पर 180 डिग्री, और यहाँ पर 270 डिग्री, और ऊपर फिर दोबारा यहाँ नॉर्थ पर आके 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से घूमते रहेंगे क्लॉकवाइज दिशा में। और यहाँ पर जो हम मेजर मतलब इसको जो डिनोट करते हैं, डिनोट करने के लिए केवल आप एंगल एंगल लिख देंगे। जैसे मैंने क्या कहा, ये नॉर्थ है, आपको नॉर्थ से कोई, जैसे मैंने कहा इस लाइन की आप मुझे डब्ल्यू सी बी में बियरिंग बताओ कितनी होगी। सपोज ये एंगल आपको दे रखा है यहाँ से 30 डिग्री, तो आप क्या कहेंगे, आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज में नापेंगे कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो नॉर्थ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 180, तो ये था 30, ये जुड़ गया इसमें, तो 180 और 30 हो गया 210 डिग्री। तो आप केवल एंगल एंगल लिख देंगे कि इस लाइन की जो वियरिंग है कितनी है, 210 डिग्री है। इसमें आप दिशा नहीं लिखेंगे कि ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, ये आपको नहीं लिखना है, इसमें केवल एंगल एंगल लिख देना है। ये बात कहना चाह रहा था आपका, ये वाला पॉइंट और इसकी डेफिनेशन समझ गए आप। तो इस सिस्टम से किसी लाइन की बियरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज दिशा में मापते हैं, और लाइन की बियरिंग 0 से 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है। लाइन के एंगल के साथ डायरेक्शन चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इंग्लिश में भी आपके लिए हम पढ़ के सुना देते हैं एक बार क्या लिखा है। बियरिंग नॉर्थ ऑफ ए लाइन फ्रॉम दिस सिस्टम मेजर इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, द वियरिंग ऑफ द लाइन कैन बी एनी थिंग फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, देर इज नो नीड टू प्लेस ए डायरेक्शन साइन विद द एंगल ऑफ लाइन, ठीक है। एंगल ऑफ लाइन के मतलब लाइन का जो एंगल है उसके साथ साथ डायरेक्शन साइन की आवश्यकता नहीं होती है, नो नीड यानी कोई जरूरत नहीं उसकी। और 0 से 360 डिग्री के बीच में क्या होता है, 0 से 360 डिग्री तक हम बियरिंग को ले सकते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं, ठीक है। डायग्राम भी समझ लेंगे, और चारों पॉइंट को मैंने छोटे रूप में भी लिख के दिखा रखा है आपके लिए, तो देखिए यहाँ समझ सकते हैं आप डायग्राम को बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ क्या दिखा रखा है, ये देखिए, यस, यहाँ देखिए क्या दिखा रखा है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ से शुरू करते हैं, 0 डिग्री था यहाँ, 0 से ईस्ट में आए 90, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, क्लॉकवाइज 90, 180, 270 और फिर 360, ऐसे घूमते हुए क्लॉकवाइज, समझ गए आप। होल सर्किल वियरिंग है ये। इसमें रिफरेंस क्या होता है, नॉर्थ लेते हैं रिफरेंस, नॉर्थ से हमेशा नापते हैं मेजर करते हैं एंगल को, क्लॉकवाइज चलते हैं डायरेक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केवल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लिमिट क्या है इसकी, 0 से 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, ये इसकी लिमिट है। तो ये चारों जो डेफिनेशन के पॉइंट थे ना, छोटे पॉइंट में भी आपको लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप समझते चलिए बस, ये हो गया पहला सिस्टम। अब दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। दूसरा सिस्टम क्या है आपका, क्वाड्रेंटल वियरिंग सिस्टम, क्यूबी सिस्टम आ गया। दूसरा नाम इसका रिड्यूस वियरिंग सिस्टम भी होता है। तो देखिए दो नाम है, क्यूबी या आरबी बोलते हैं इनको हम। तो इसमें क्या है, वहां पर क्या था, होल सर्किल पूरा सर्किल बन रहा था, 360 तक ले रहे थे, लेकिन यहां पर एंगल कितना लेंगे दोस्तों, केवल 0 से 90 डिग्री तक ही लेते हैं, सॉरी। देखिए अब आगे देखिए, पहले डेफिनेशन सुन लीजिए क्या है। इस सिस्टम में किसी लाइन की बियरिंग, वहां तो केवल हम नॉर्थ से ही नापते थे, लेकिन यहां नॉर्थ या साउथ से जो भी समीप पड़ेगा उससे नाप देंगे, ईस्ट और वेस्ट की दिशा में, समझ पा रहे हैं। इस सिस्टम में किसी लाइन की बियरिंग नॉर्थ या साउथ जो भी समीप पड़ती हो से ईस्ट या वेस्ट दिशा की ओर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कोई लाइन सपोज यहाँ आ रही है यहाँ, तो ये साउथ के पास में या नॉर्थ के, अगर ये साउथ के पास में है
तो हम साउथ से मेजर कर देंगे। यहाँ कोई लाइन होती है किसके पास में, नॉर्थ के, तो इसको हम नॉर्थ से मेजर कर देंगे। समझ पा रहे हैं? तो नॉर्थ या साउथ जिसके पास जो लाइन पड़ेगी उससे मेजर कर देंगे, या क्लॉकवाइज का कोई चक्कर नहीं है, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। मगर यहाँ पर दोस्तों आपको सपोज ये 30 डिग्री एंगल था, तो एंगल के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दिखानी है कि ये किसके ज़्यादा पास पड़ रहा था। तो ये साउथ के पास में, तो आप साउथ लिखेंगे पहले, फिर 30 डिग्री लिखेंगे, फिर ईस्ट लिखेंगे। यानी इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी शो कराएंगे, दिखाएंगे। समझ आ गया होगा, आई होप सो आपको आसानी से, ठीक है? तो यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट पे 90 डिग्री लेते हैं, ईस्ट और वेस्ट पे, और नॉर्थ और साउथ पे 0 0 डिग्री लेंगे। समझ गए आप? तो देखिए अब नीचे डायग्राम भी मिलेगा आपको स्पष्ट वाला, ये तो मैंने आपको बस लिख दिया ऐसे ही, ठीक है? तो डेफिनेशन आप समझ गए। इस सिस्टम में किसी लाइन की वेयरिंग नॉर्थ या साउथ जो भी समीप पड़ती हो, से ईस्ट या वेस्ट दिशा की ओर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। लाइन की वेयरिंग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है। लाइन के एंगल के साथ डायरेक्शन चिन्ह लगाने की आवश्यकता होती है। शुरू का लेटर नॉर्थ या साउथ कुछ भी रहेगा, बीच में एंगल और लास्ट में ईस्ट या वेस्ट। मैंने अभी आपको बना के दिखाया था ना डायग्राम, ऐसे करके डायग्राम बनाया था मैंने। यहाँ लाइन ले ली तो किसके, नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। सपोज इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, तो आप कैसे दिखाएंगे इसको, पहले नॉर्थ लिखेंगे। अगर ये साउथ के पास होता तो पहले, सॉरी वेस्ट है, ठीक है, पहले नॉर्थ लिखेंगे, फिर एंगल लिखेंगे, फिर आप वेस्ट लिखेंगे। समझ पा रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर साउथ के पास होता तो साउथ लिखते पहले, फिर एंगल, फिर ईस्ट लिखते, ईस्ट या वेस्ट जिसके पास होता। तो ये 5 6 लाइनें लिखी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। देखिए इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया है, इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। इन दिस सिस्टम द वियरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, फ्रॉम नॉर्थ और साउथ विच एवर इज क्लोजर, मतलब जहाँ से भी पास पड़ेगा वहाँ से ले लेंगे हम, टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन की ओर, ठीक है। द वियरिंग ऑफ द लाइन कैन बी एनी थिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है इसकी वियरिंग। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू पुट ए डायरेक्शन साइन अलोंग द लाइन ऑफ लाइन्स एंगल, यानी लाइन के एंगल के साथ साथ डायरेक्शन का साइन भी बहुत जरूरी है। द लेटर नॉर्थ और साउथ एट द बिगनिंग, यानी शुरू में हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ और साउथ लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, एंगल, इन द मिडिल, एंड ईस्ट और वेस्ट एट द एंड, यानी लास्ट में लिखेंगे ईस्ट और वेस्ट। सॉरी, समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? आगे देखिए, अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी लाइनें दिखा रखी हैं, बस इनको आपको ये दिखाने के लिए किसी भी लाइन का कैसे मेजर करेंगे। इनमें से देखिए, इन चार को तो आप भूल जाइए, ये चारों तो क्या है, आपकी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बात करते हैं पहले इस वाली लाइन की। अगर मैं आपसे कहूँ इस वाली लाइन की मुझे क्यूबी सिस्टम में बियरिंग बताओ, तो आप क्या बताएंगे, ये कहाँ नॉर्थ से नाप रहे हैं ना, पहले आप नॉर्थ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर इसका एंगल लिखेंगे, थीटा आ रहा है बीच में, थीटा लिख दिया, फिर क्या ईस्ट की तरफ है, ईस्ट लिख देंगे। तो यहाँ मैंने दिखा रखा है नॉर्थ थीटा ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये हो गया पहली लाइन का। अगर इस लाइन की बात करें तो ये किससे, साउथ से नाप रहे हैं हम, तो पहले तो नॉर्थ या साउथ में से कुछ लिखते हैं, साउथ के पास है तो पहले साउथ लिखेंगे, फिर एंगल क्या फाई है तो फाई लिखेंगे, किधर है ईस्ट की तरफ तो ईस्ट लिख देंगे। समझ आ रहा है, ये लिख दिया इधर। इस लाइन की बात करें, ये भी साउथ के पास में पड़ रही है, तो पहले साउथ लिखेंगे, ठीक, फिर क्या लिखेंगे, एंगल क्या अल्फा है, अल्फा लिख देंगे, फिर क्या वेस्ट, वेस्ट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर ये वाली लाइन, तो ये नॉर्थ के पास में, नॉर्थ से बीटा एंगल है, तो पहले नॉर्थ लिखेंगे, फिर बीटा लिखेंगे, फिर डब्ल्यू लिख देंगे। ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, यस, ठीक है, ये मैंने दिखा रखा था। यहाँ पर देख लीजिए इसके रेफरेंस पॉइंट क्या क्या लिखे हैं मैंने, ये क्या है, क्वाड्रेंट्रल वियरिंग सिस्टम या रिड्यूस वियरिंग सिस्टम। तो इसमें क्या रेफरेंस क्या है, नॉर्थ और साउथ है, डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नॉर्थ के साथ एंगल लेके ईस्ट की तरफ तो ईस्ट लिखेंगे, नॉर्थ के साथ एंगल अगर वेस्ट की तरफ तो वेस्ट लिखेंगे, ऐसे साउथ के साथ अगर ईस्ट की तरफ एंगल है तो एंगल के साथ ईस्ट, साउथ के साथ अगर एंगल वेस्ट की तरफ तो ईस्ट के साथ साउथ, एंगल के साथ वेस्ट लिख देंगे, ठीक है। और लिमिट क्या रहेगी इसकी, 0 से 90 डिग्री, उसमें लिमिट क्या थी, 0 से 360 डिग्री। आप समझ गए अच्छे से, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा, आई थिंक सो आपको पसंद आ रहा होगा कंटेंट, बुक में आपको इतना आसान नहीं मिलने का, ठीक है, आप बुक से पढ़ के देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाए तब कहना, इसीलिए आपको वीडियो को लाइक करना बनता है, जरूर कीजिए लाइक। आगे देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आपको कन्वर्जन, हाँ जी कन्वर्जन देख लेंगे एक बार, इस पर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, तो मैं कन्वर्जन भी आपको एक दो एग्जांपल लेके आया हूँ, आप समझ लेंगे इजीली। कन्वर्जन फ्रॉम डब्ल्यूसीवी सिस्टम और क्यूबी टू, नहीं यहाँ क्या रखा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी इसके लिए, मिसप्रिंट क्या, मिस्टेक ये है, कन्वर्जन फ्रॉम यहाँ होना चाहिए था क्या, डब्ल्यूसीवी सिस्टम टू क्यूबी, यानी डब्ल्यू सी बी से क्यू बी में और क्यू बी से डब्ल्यू सी बी में, तो यहाँ पर डब्ल्यू सी बी सिस्टम के साथ टू करके क्यू बी और लगा लेना आप यहाँ से ऊपर, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो कन्वर्जन फ्रॉम डब्ल्यू सी बी सिस्टम टू
टू क्यूबी सिस्टम और क्यूबी सिस्टम टू डब्ल्यू सी बी सिस्टम। इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए कोई मैं फॉर्मूला लेके नहीं आया हूँ आपके लिए, क्योंकि फॉर्मूले आप कब तक रटेंगे, इसलिए मैंने आपको सीधा लिखा है एक लाइन, इसको डायग्राम की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। तो हम डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन अपने करते जाएंगे। ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को समझने में। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो अब आगे देखते हैं हम, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले एग्जाम्पल, इसमें आपको डब्ल्यू सी बी में दे रखा है किसी लाइन की वियरिंग 100 डिग्री है डब्ल्यू सी बी में, तो आपको क्यू बी सिस्टम में बतानी है। तो मैंने क्या कहा था, कैसे चेंज करेंगे आप? तो आपको कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, सिंपल आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बना लिया हम डायग्राम, और डायग्राम तो सबको पता है ना, डायरेक्शन वाला, ऊपर नॉर्थ होता है, ज़्यादा बड़ा नॉर्थ लिख गया, देखिए ये नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। इतना आपने लिख लिया। अब 100 डिग्री दे रखा है किसमें, डब्ल्यू सी बी में। अब डब्ल्यू सी बी का आपको रूल पता होना चाहिए, डब्ल्यू सी बी में एंगल केवल और केवल नॉर्थ से मेजर करते हैं, ओनली नॉर्थ से डब्ल्यू सी बी में। तो नॉर्थ से 100 डिग्री मेजर करना है क्लॉक वाइज दिशा में। तो देखिए यहाँ से नॉर्थ से क्लॉक वाइज इधर चलेंगे ना, इधर, तो इधर को यहाँ तक 90 हो गया, 100 होगा तो यहाँ तक आएगा, लगभग यहाँ कहीं आएगी लाइन। समझ पा रहे हैं आप, ये लाइन यहाँ आएगी आपकी, कौन सी, 100 डिग्री की। तो यहाँ तक आपने 100 डिग्री मेजर कर लिया। अब आपको बताना किस में, क्यू बी में बताना है। और क्यू बी का रूल क्या होता है, क्यू बी का रूल ये होता है कि जो भी लाइन है वो नॉर्थ या साउथ जिसके भी पास पड़ेगी, हमें उससे उस एंगल को मेजर कर देना है। तो किसके ज़्यादा पास है, साउथ के पास है, तो साउथ से आप एंगल नाप लीजिए। साउथ से आपको यहाँ तक बताना है ये एंगल कितना है, ये वाली एंगल तो बताना है आपको। तो क्यू बी में पहले हम डायरेक्शन लिखते हैं, साउथ के पास है तो साउथ लिख देंगे आप, बीच में फिर एंगल लिखेंगे जो भी एंगल है। तो ये एंगल कितना आएगा, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 होता है पूरा, 180 में से ये वाला 100 डिग्री निकाल दीजिए, इधर का कितना बच गया, 80 बच गया, तो 80 डिग्री बच गया ये। और इधर फिर क्या है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, साउथ 80 डिग्री ईस्ट। समझ आ रहा है ना? तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैं डायग्राम में दिखा रखा, ये देखिए, देखिए देख लीजिए, यस यहाँ देखिए, ये क्या है, 100 डिग्री था, यहाँ से इस लाइन का यहाँ तक 100 डिग्री हो गया, नॉर्थ से नापें डब्ल्यू सी बी वाला। अब क्यू बी बताना कहाँ से नापेंगे, साउथ से, इधर को नाप देंगे हम, साउथ से कितना आएगा, टोटल 180 होता है, 100 निकाल दीजिए, इधर 80 बचेगा ना ये, तो साउथ 80 ईस्ट, ये हो जाएगा आपका यहाँ तक, साउथ 80 ईस्ट क्यू बी सिस्टम में आंसर। समझ आ रहा है दोस्तों? ये था आपका, ठीक है, इसके ही आज एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जितने भी एग्जाम्पल मैंने कर रखे हैं, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक आपके बच्चे हैं दोस्तों, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी नॉन स्टॉप बोलना रहता है दोस्तों, इसीलिए आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, यानी इसके ही एग्जाम्पल समझ के। तो आज हम जो टॉपिक पढ़े हैं आपको ये अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके आगे वाले जितने टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल और देख लें इसका, ये दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, इसके बाद जो भी टॉपिक बचे हैं दोस्तों हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी के लिए आप यहाँ तक ही तैयार करेंगे, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कौन कौन से हम कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करके क्या क्या कर चुके हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे अच्छे से, ठीक है? तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को लास्ट पहले, इस एग्जाम्पल को देखें, बाद में बात करेंगे फिर। तो क्यू बी कितना दे रखा है, इस बार आपको क्यू बी दे दिया पहले, क्यू बी सिस्टम दे रखा है, और आपको डब्ल्यू सी बी में बताना है। क्यू बी कितना दिया, नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो यहाँ आप खींचेंगे लाइन, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, ठीक, इधर ईस्ट होता है और इधर साउथ होता है। तो ये नॉर्थ से दे रखा है 50 डिग्री, यहाँ पर दे रखा है 50 डिग्री, यहीं तो होगा ये, ठीक है, ये दे रखा है 50 डिग्री वेस्ट की तरफ, लेकिन हमें बताना क्या है, डब्ल्यू सी बी में बताना है। तो डब्ल्यू सी बी में दोस्तों आपको एक बात तो पता ही होगी, डब्ल्यू सी बी में क्या पता है आपको, डब्ल्यू सी बी के बारे में इतना पता है कि आप हमेशा एंगल को नॉर्थ से ही मेजर करते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो आप नॉर्थ से यहाँ तक मेजर कर लीजिए कितना हो गया। तो मैं आपको इस वाले डायग्राम में दिखा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में जो हमें दे रखा था दोस्तों वो दे रखा है, थोड़ा छोटा करते हैं बस, देखिए यहाँ दे रखा है क्या, नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट ही हमने बना दिया इस लाइन को, ये दिख रहा है यहाँ पर। अब आपको बताना क्या, डब्ल्यू सी बी बताना है, तो नॉर्थ से नापेंगे इसको, नॉर्थ से नाप लीजिए इधर को, तो कितना डिग्री होगा ये, तो आपको साफ साफ पता है कि ओवरऑल होता है 360 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। अब इस 360 में से ये 50 आप इतना निकाल दीजिए, जब ये 50 आप निकाल देंगे 360 में से आप जब 50 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो 310 ही तो बचेगा, और क्यू बी में कोई भी डायरेक्शन हम दिखाते नहीं, तो केवल 310 डिग्री दिखा देंगे, यही क्या हो जाएगा इसका। डब्ल्यू सी बी में हमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं दिखानी, तो यही सीधा आंसर हो जाएगा इसका। तो आप आंसर देख लीजिए, ये है इसका आंसर, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे। देखिए फोर वियरिंग एंड बैक वियरिंग से अगली क्लास स्टार्ट करेंगे हम, बियरिंग ऑफ ए लाइन, इन लाइन की जो वियरिंग होती है, फोर वियरिंग और बैक वियरिंग क्या होती हैं,
कैसे एक दूसरे को निकालते हैं, आगे इंक्लूडेड एंगल पढ़ेंगे, फिर हम लोकल अट्रैक्शन पढ़ेंगे। अभी आधा बचा है कंपास सर्वे, आधा कवर हो गया है, तो आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आज हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ा आज हमने दोस्तों? हमने पढ़ा कंपास सर्वे की डेफिनेशन पढ़ ली क्या होती है, इसके बाद हमने पढ़ा था मेरिडियन एंड वियरिंग पढ़ी थी क्या होती हैं, ठीक है, इसके टाइप्स देखे थे, फिर हमने कंपास सर्वे देखा था, सॉरी कंपास सर्वे के हमने टाइप देखे थे, कंपास के टाइप देखे थे, कंपास सर्वे नहीं दोस्तों, कंपास के टाइप देखे थे। कंपास में हमने सर्वेयर कंपास पढ़ा था, प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ा था, ट्रफ कंपास के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ बता दिया था आपको। इसके अलावा हमने बियरिंग्स के सिस्टम देख लिए, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट्रिक बियरिंग सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम पर एक दो एग्जाम्पल भी किए, एक दूसरे को इंटरचेंज करना सीख लिया। तो आई होप सो आपको इतना कंटेंट पसंद आ गया होगा। इसके बाद का जो कंटेंट है आपको वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट मैं कराऊंगा जरूर दोस्तों आपको, ठीक है? तब तक आप इन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कीजिए अच्छे से। मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है दोस्तों? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।